हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन। वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो आज मैं बहुत बढ़िया और किफायती सी न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप में से कई लोग हैं जो नेटफ्लिक्स के शोज को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी। अभी कुछ दिनों बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का एक और सीजन जो है रिलीज होने वाला है। तो इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स जो है पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है। हर कोई जानता है कि भाई नेटफ्लिक्स जैसी कोई चीज है। ऐसे में नेटफ्लिक्स के जो प्लान्स है वो बहुत ज्यादा हाई थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने नए प्लान्स जो है रिलीज किए हैं। स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से प्लान उन्होंने निकाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 65 रुपीज के अंदर जो है नेटफ्लिक्स के बिल्कुल मजे ले सकते हैं, उससे भी कम लाइक 50 रुपए के अंदर भी आप नेटफ्लिक्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक और चीज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पैकेज खत्म होने के बाद भी नेटफ्लिक्स के जितने भी शोज हैं, वीडियोज हैं, वो देख सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो मुझे आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स के नए सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहले नेटफ्लिक्स जो है मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब नेटफ्लिक्स वीकली सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीकली सब्सक्रिप्शन किस तरीके का है और क्या क्या प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। ये कुल मिला के 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है मोबाइल कैटेगरी। इसमें आप जो है अगर आप सब्सक्रिप्शन मोबाइल वाला लेते हैं और आपको ये 65 रुपीज के अंदर मिलेगा, हफ्ते भर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन इसमें जो है आप सिर्फ मोबाइल के अंदर देख सकते हो, आप अपने टीवी या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके नहीं देख सकते। और इसमें आपको HD अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और सिर्फ एक स्क्रीन मतलब एक टाइम पे आप देख सकते हैं, सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके का एक सब्सक्रिप्शन है जो आपको 65 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा है और इसका रेजोल्यूशन अगर आपको 720p नहीं मिल रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब भी 360p में ही बहुत से लोग हैं जो देखते हैं। 480p का आपको रेजोल्यूशन सपोर्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से काफी किफायती और अच्छा ये सब्सक्रिप्शन निकल के बाहर आया है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जो मोबाइल और आप टीवी वगैरह में भी देखना चाहते हैं तो इसका आप नया सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो है बेसिक करके जो सब्सक्रिप्शन है। उसमें आप एक स्क्रीन पे ही एक मतलब एक बार में एक ही देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको HD और वही अल्ट्रा HD का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप टीवी और लैपटॉप में देख सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो वो आता है स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। ये आपको 165 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें आपको एक चीज जो है वो बढ़कर मिल रही है, वो है HD का HD अवेलेबिलिटी, लाइक 720p रेजोल्यूशन का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं वो सारी नॉर्मल है, लेकिन आप इसमें दो लोग आप एक टाइम पे देख सकते हैं, लाइक दो मोबाइल स्क्रीन या दो लैपटॉप जो है एक टाइम पे चल सकता है, ये अकाउंट सपोर्ट करता है। तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आपको 165 रुपीज पर वीक देना पड़ेगा। और लास्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो है 200 रुपीज का मंथली वाला। तो ये 200 रुपीज का आप लेते हो तो आपको फुल ऑन एक्सेस मिल जाएगा, लाइक आपको HD सपोर्ट मिलेगा, फुल HD सपोर्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको 4 स्क्रीन जो है वो एक साथ आप देख सकते हो। तो इस तरीके की आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाएगी। तो 200 रुपए का वो पैकेज है। अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि आप हफ्ते वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 200 रुपीज वाला सब्सक्रिप्शन लेना बहुत अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 वाला क्यों, 65 वाला क्यों नहीं। अगर आप लोगों के 4 फ्रेंड और हैं, लाइक आप लोग 4 लोग टोटल हो, तो आप लोगों को 50-50 रुपए का वो सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। तो आप वो 4 स्क्रीन क्योंकि आप एक साथ चला सकते हो, तो आप कॉन्ट्री करके 200 रुपए का ही सब्सक्रिप्शन लो, 50-50 रुपए मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको 720p और लैपटॉप टीवी सबका सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 200 वाला लेना सही रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो फिर 65 वाला ही बेहतर है। तो इसके अगर बाकी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो है बिल्ड, मंथली बिल्ड वाला। तो मंथली बिल्ड वाला तो सेम है जैसे कि पहले चलता था, लाइक 500 रुपीज, 650 और 800, वही वाला आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी नई ऐड की गई है, वो है वही मोबाइल वाली। लाइक आप मोबाइल में सिर्फ चलाना चाहते हो तो उसमें आपको प्राइस देना पड़ेगा। तो उसका अलग प्राइस है, 200 समथिंग रुपीज का जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो 200 रुपए का अगर आपको देते हो तो उसके साथ आप सिर्फ मोबाइल में देख सकते हो, सिर्फ उसमें आपको HD अल्ट्रा HD वगैरह नहीं मिलेगा और एक टाइम पे एक ही स्क्रीन आप चला सकते हो। तो ये था कुछ पैकेजिंग जो नई नेटफ्लिक्स ने रिलीज की है और मेरे को लगता है कि काफी अच्छी है। तो वीकली वाला भी काफी अच्छा है, क्योंकि वीकली वाला इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नेटफ्लिक्स बहुत कम देखते हैं, लेकिन उनको
टाइम नहीं मिलता है, फिर उनका पूरे महीने भर का जो पैकेज है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो कई लोग हैं जो वीकेंड्स वगैरह पे देखते हैं या फिर कई हॉलीडेज वॉलीडेज पे जा रहे हैं, तब नेटफ्लिक्स को जो देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो लोग हफ्ते भर वाला जो पैकेज ले सकते हैं और उसके बाद वो हफ्ते भर बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपके पैसे कटना बंद हो जाएंगे। तो लाइक हफ्ते भर वाला काफी अच्छा प्लान है नेटफ्लिक्स का, तो आप उसको ले सकते हैं। और उन्होंने एक नई फंक्शनैलिटी की है कि आप डाउनग्रेड और अपग्रेड कर सकते हो अपने प्लान को कभी भी किसी भी टाइम। अगर आपके पास महीने वाला सब्सक्रिप्शन है तो उसको आप कैंसिल करके बिल्कुल हफ्ते भर वाले में भी आ सकते हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको कौन सा प्लान पसंद है। अब मैं अगर बात करूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक की, जो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप वीडियो जो है वो अनलिमिटेड देख सकते हैं, तो वो टिप्स एंड ट्रिक बिल्कुल एक बेसिक सी है। जैसे जैसे आप अगर आपके कोई पैकेज है, आप हफ्ते भर वाला पैकेज लेते हो और जब वो पैकेज खत्म होने वाला है तो उससे पहले जितने भी शोज वगैरह की जो वीडियोस है आप वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, और ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद जब आपका पैकेज खत्म होगा तो उस वीडियोस को जो ऑफलाइन वीडियोस है उसको आप अपने फोन में देख सकते हो। लेकिन उसका जो है सिर्फ एक जो चीज से आपको बचना है वो ये है, जब भी आप अपना पैकेज खत्म होने के बाद ऑफलाइन वाली वीडियोस देखना चाहते हो सबसे पहले आप अपना नेट ऑफ करो, इंटरनेट ऑफ करने के बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करो, फिर उसके बाद जो है आप ऑफलाइन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप नेट ऑन करने के बाद वो एप्लीकेशन खोलते हो तो वो जो नेटफ्लिक्स का सर्वर है तो उसको पता पड़ जाएगा कि भाई आपका जो मंथली पैकेज वीकली या मंथली पैकेज है वो खत्म हो चुका है, तो वो आपको जो है वो वीडियो दिखाना बंद कर देगा। तो ये कुछ ट्रिक थी, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक काम आएगी, और मुझे पक्का मालूम है कि आप लोग इस ट्रिक को यूज करने वाले हो क्योंकि मैं भी इस ट्रिक को यूज कर चुका हूँ पर्सनली। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।